करें, ना है तो उसको छोड़ दें। जी अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, आजकल तो सोशल मीडिया पे आयतल कुर्सी का खास तौर पे, उसके अलावा कुल के चारों सूरतों को और सूरह फातिह के मतलब मुख्तलिफ फायदे दिखाए जाते हैं जिसमें रेफरेंस कुछ नहीं रहता हदीस का, तो इन तीनों का मतलब प्रोटेक्शन में क्या रोल है, उसमें थोड़ी रोशनी डाली। सूरह फातिहा आयतल कुर्सी और कुल के चारों सूरतें। भाई ने सवाल किया कि बहुत सारी जगह लोग दुआओं का तस्करा करते हैं, भेजते हैं सूरह फातिहा आयतल कुर्सी और खुल के ताल्लुक से कि इनके ये फ़वाद हैं। देखिए सूरह फातिहा के कई फ़वाद हैं, ये सूरह रुकिया भी कहा जाता है, ये इलाज भी है, ठीक है, तो इसे कई फ़वाद हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये फ़वाद किस तरह से हासिल की जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बताया है, ठीक है, जैसा कि एक रिवायत में आता है कि बुखारी की रिवायत है, सहाबा एक जगह गए, एक बस्ती में पड़ाव डाला, उनसे इजाज़त मांगी कुछ खाने पीने के दो, ये ज़माना वो नहीं था, होटलें वगैरह थी, रहने की जगह थी, बस्ती वालों ने कहते चलो निकलो यहाँ से, बाहर कर दिया। थोड़ी देर बाद हुआ, एक लौंडी भागती हुई आई, कहा हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है, क्या कोई है तुम में जो इलाज करे? एक सहाबी ने कहा मैं इलाज करूंगा, दूसरों ने कहा नहीं नहीं तुम इलाज करने नहीं जाओगे उसका, इसलिए कि उन्होंने हमको रहने नहीं दिया, उन्होंने कहा फिर भी मैं चला जाता हूँ। वो गए, जाने के बाद उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी, दम की, लेकिन रिवायत में आता सूरह फातिहा पढ़ी, दम किया, फिर आपने कट्स लगाए जहाँ बिच्छू ने काटा था, और उस ज़माने में मुंह से खींचने का तरीका था, खींचकर खून को निकाला, लेकिन ये सब नहीं कर सकते, ये टेक्निक्स होती है, याद रखिए, ये हर आम आदमी नहीं कर सकता है। फिर वो किया, फिर सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, फिर खून खींचा, फिर थूका, फिर सूरह फातिहा, ऐसा कई बार उन्होंने किया और उससे उसको शफा हासिल हुई। फिर जब मदीने आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि अल्लाह के रसूल इन्होंने ऐसा किया, और हम तो समझते थे इनको इतना इल्म नहीं, लेकिन ये गए सरदार का इलाज का उसे फ़ायदा हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या किया तुमने? तो कहा अल्लाह के रसूल मैंने सूरह फातिहा पढ़ी। तो आपने फरमाया तुम्हें कैसे पता सूरह फातिहा रुकिया है, इलाज है, दम करने की दुआ है? तो पता चला ये इलाज है सूरह फातिहा, न सिर्फ जिसको हम कहेंगे नफ्सियाती बल्कि फिजिकल भी, याद रखिए फिजिकल भी, बहरहाल ठीक है। तो लिहाजा इसका ये अमल साबित, तो जो साबित है बिल्कुल कीजिए, जिन किसी पर हावी है पढ़ के दम कीजिए, ठीक है। इसी तरह जो है जैसा बीमारी के अंदर पड़ा ये भी आप कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने दम किया और फिर सक करके ब्लड निकाला। इसी तरह सूरह फलक सूरह नास तो बिल्कुल साबित है, मैंने आप दर्श में भी कई बातें रखी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए आप पढ़ते थे, नजरे बस से बचाने के लिए आप ये पढ़ते थे, आंधी तूफान मुसीबत आती तब आप ये पढ़ते थे, तो सूरह फलक सूरह नास तो बहरहाल साबित है। इसमें सूरह काफिरून दाखिल नहीं है, बहुत से लोग चारों खुल पढ़ देते हैं, चार नहीं है, तीन है, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। अच्छा एक अजीब बात है, ये चारों खुल लोग चूंकि इसके बड़े फवायद है तीन के, तो चार को ऐड कर देते हैं और चारों को हर जगह पढ़ते हैं, यहां तक के खबरों पर भी पढ़ते जाकर, ये अपनी हिफाजत के लिए, जिंदों के लिए। मरने के बाद सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह अल काफिरून पढ़ना दुरुस्त नहीं। एक मरतबा एक साहब जिद करने लगे, नहीं बोले हम जाकर बोले खबर में पढ़ेंगे, तो दूसरे साहब ने उनसे कहा कि चलो मेरे को बोलोगे जो तुम पहला सूरह पढ़े कुल या अल काफिरून, ठीक है, लाबुद माताबुद, तो खबर वाले क्या बोल रहे हैं, काफिरो कुल या अल काफिरून लाबुद माताबुद, मैं बात नहीं करूंगा जिसके तुम आवाज करते थे। आप पढ़ रहे भी तो क्या पढ़ रहे, ये तो देखो बोले सूरे काफिरून को रात में पढ़ना सोने से पहले साबित है, इसलिए कि बरात है कुफ्र से, बरात है कुफ्र के लिए अल्लाह के रसूल सूरे काफिरून को रात में सोने से पहले पढ़ते थे ताकि कुफ्र से बरात, ये नफरत का इजहार हो। लेकिन तुम जाकर तीन खुल है बोले, चौथा भी जब पढ़ रहे तो पहला चौथा ही पढ़ते ना खुल या, चूंकि बाकी तीन तो आखिरी है, तो तरतीब के अतबार से खुल या अहल काफिरून ऐ काफिर हो लाबुदुम, अब देखिए तर्जुमा देखिए, मैं इबादत नहीं करता इसकी तुम इबादत करते हो, तो मीनिंग भी आप देखिए थोड़ा क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है। तीन खुल के फजाइल अपनी जगह है, तीन बार सुबह, तीन बार शाम। और भी बहुत सारे, मैं पूरे नहीं रख पाया, कभी मौका मिला तो मौजूद है, सूरह इखलास के फवायद में हम देखेंगे, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर कहूंगा जो साबित है चेक कर ले पहले कोई भी अमल करने से पहले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें जादू का तोड़ है, सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें जब नाजिल हुई जादूगरों का तोड़ आ गया, शैतान समझ गया मेरा ये हीला नहीं चलने वाला। आयतल कुर्सी के बड़े फवायद हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतल कुर्सी एक नमाज के बाद पढ़ ले तो दूसरी नमाज तक काफी है, मतलब हिफाजत के लिए काफी है, तो आयतल कुर्सी की भी बड़े फवायद है। लेकिन फिर कहूंगा कब कैसा वो सुन्नत से आप देख ले, वरना अगर मैं बोलूं आयतल कुर्सी को 51 बार जुम्मा के दिन बाद नमाज जुम्मा पढ़े तो ये फायदा होगा, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। हालांकि पढ़ रहे क्या आप,
आयतल कुर्सी, लेकिन प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? आयतल कुर्सी को ऐसा पढ़ना जिस पर उतरी आयतल कुर्सी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने नहीं बताया। मसला ये बोला, मसला ये कुरान कैसे बेकार आदमी यार, कुरान पढ़ने का तुम बोल रहे गलत है। हाँ, कुरान पढ़ना भी गलत हो सकता है, इसलिए कि जिस पे उतरा अगर आप उसके जैसा नहीं पढ़े और अपनी मनमानी करें तो ये भी गलत हो सकता है। जैसा कि आयतल कुर्सी को लोग बोलते हैं 51 बार, 101 बार, 1000 बार, 100 बार, 151 बार, 11 रातों तक, 21 रातों तक, 40 रातों तक, 40-40 बार, यहाँ बैठकर, सूखे कुएं में बैठकर, कब्रस्तान में बैठकर, गैर आबाद मस्जिद में बैठकर पढ़ने से ये फायदे होते। मैं ही बोल रहा हूँ, है तो कुरान, लेकिन इसको वैसे ही पढ़ना जैसा बताया गया। देखिए, अल्लाह का जिक्र तो है ना, साबित है ना, अल्लाह अकबर अल्लाह का जिक्र है, सुबहान अल्लाह अल्लाह का जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र है ना, सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल अज़ीम अल्लाह का जिक्र है, तो क्यों ना हम जोहर की नमाज को 4 के बदले 5 रकात पढ़ेंगे तो अल्लाह अकबर बढ़ जाएंगे, सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल आला बढ़ जाएंगे, है ना, अत्तहियात बढ़ जाएगा, कितना फायदा होगा ना। तो आप बोलेंगे ये जिक्र दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा जिक्र 4 रकात में किया, जोहर की 5वीं नहीं मिलाई, तो तुम कौन होते हो, है ना। तो मैं भी ये बोल रहा हूँ, कुरान है, बिल्कुल कुरान, कुरान को लेकिन कैसा इस्तेमाल किया जाए, कैसे फ़ायदा उठा जाए, वही बताएंगा जिस पर नाजिल हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा कोई तरीका नहीं बताया कि 51, 11, 20, 40, 50 नहीं बताया, तो हमें ऐसा नहीं करना। हाँ, जो बताया वो कीजिए ना आप, 3-3 बार सुबह शाम, है ना, 3-3 बार के लिए। तस्बीहात ने बताया ना 33 बार 33 बार और 33 बार पढ़े, है ना, नमाज के बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, और आखिर में पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। यही तस्बीह को अगर सोते वक्त पढ़ते हैं तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़े, होगी गिनती 100 की सोते वक्त ऐसा, और नमाज के बाद ये ऐड करेंगे आप 100 नंबर पर। तो ये सारी चीजें बताई गई, क्वांटिटी जहां बताई गई, जहां नहीं है हमने नहीं करना चाहिए। इस तरह फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर 100 मरतबा सुबह अगर कुबड़े मतलब बाद नमाज फज, तो उस पर जादू असर नहीं करता उस दिन। तो 100 की क्वांटिटी बताई गई ना, जहां क्वांटिटी स्पेसिफिक थी बताई गई, जहां स्पेसिफिक नहीं, जैसा दरूद सुबह और शाम 10-10 बार पढ़ने के फवायद बताए गए, 10-10 बार ही आप 11-12, 15-15, 51-51 बार नहीं कर सकते आप, जहां स्पेसिफिक थी स्पेसिफिक कर दी, या जनरल थी जनरल कर दी, ठीक है। तो लिहाजा आप जितने बार पढ़ना है पढ़िए, लेकिन ये मखसूस दिन, मखसूस अय्याम, मखसूस वक्त, मखसूस तादाद, मखसूस जगह मत बनाइए, वरना फिर प्रॉब्लम ये होगा, जिस पर उतरा है कुरान उन्होंने जब ये चीज़ नहीं की तो हमारा करना दुरुस्त नहीं होगा, ठीक है। तो बहरहाल मैं यही कह रहा हूँ कि जो सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी और सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास के जो आपने कहा, हाँ, साबितशुदा चीज़ें, बस देखें कि कौन सी रिवायत वो पेश कर रहे हैं, चूँकि ज़रूरी है कि मुस्तनद हो, वरना लोग बहुत सारी गैर गलत बातें इसके ताल्लुक से पेश करते हैं।